छम छम बर खान गोरी हो कुंडी पाली डारा तेरी जातरा लगोरी हो माँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मेरा नाम है पूजा। हम लोग कुंडी माता जात्रा के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ अब काफी जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। हेलो कुंडी वाले की जय, बोलो काली माता की। देख सकते हैं सभी श्रद्धालु जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ जा रहे हैं और क्या कैसे रही आपकी रात? ठंड ठंड नहीं लगी? लगी ना गर्मी? तो आप बताओ आपको ठंड वगैरह लगी या नहीं? ठंड नहीं लगी। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, हम पहुंच गए कुंडी माता मंदिर में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मेरा नाम है पूजा। तो दर्शकों आप देख ही सकते हैं मेरे पीठ पर इस टाइम बैग है और हम सब जो है वो कुंडी माता जातर जा रहे हैं। जैसे मणिमहेश यात्रा होती है वैसे ही कुंडी माता जातर में भी श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। काली माता का मंदिर है वहाँ और सभी भक्त जो है यहाँ पर आते हैं और माता को अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट जरूर करते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे पीछे महोदय जी, मतलब सभी आ ही रहे हैं। अभी हम सभी इकट्ठा हो रहे हैं, अभी हम सभी छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, फिर हम बाद में जो है काफ़ी लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। काफ़ी जो श्रद्धालु है वो हमसे मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम आपको पूरी कुंडी माता जात्रा की पूरा जो रास्ता है वो दिखाएंगे। हम लोग कुंडी माता जात्रा के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ अब काफ़ी जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। अभी तो हम सभी छोटे बच्चे हैं बट जल्द ही हम बड़े बड़े लोगों के साथ ही मिल जाएंगे जो कि हमारे स्थानीय लोग हैं। तो आप देख सकते हैं पहले मैं एक थी, अब इन सबको दिखाइए प्लीज़ आप एक बार। तो अब चार हो गए हम और ऐसे ऐसे चलते चलते हम बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको पूरे कुंडी माता मंदिर तक वीडियो दिखाऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख सकते दोस्तों हमने चढ़ाई का रास्ता पार कर लिया है, अब हम जो है प्लेन रास्ते में पहुंच चुके हैं थोड़ा बहुत। अभी हमारी मंजिल समझो स्टार्ट हुई है क्योंकि बहुत दूर हमें जाना है। आप देख सकते हैं किस तरह जंगल से भरा हुआ हमारा रास्ता है और इसी रास्ते से हम सबको होके जाना है। मेरे साथ जो पांच छह छोटे छोटे साथी हैं हमारे, हम सभी बच्चे हैं बट बहुत ही जल्द हम बड़े लोगों के साथ भी जुड़ जाएंगे। बोलो कुंडी वाले की जय, बोलो काली माता की जय, बोलो मणिमहेश की जय, बम बम बोले, बम बम बोले। काफी चढ़ाई लगाने के बाद और काफी रास्ता जो है तय करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अब हम सभी यहाँ पर रेस्ट करें कि थोड़ी देर चलो रेस्ट कर ले उसके बाद जाए, क्योंकि अभी हमारे मंजिल बहुत ज्यादा दूर है और आपको तो पता ही है कि बंदा थक ही जाता है। तो अभी चलो हम सब ने सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले और बस कुछ ही देर के बाद हम यहाँ से अपने फिर से यात्रा शुरू करेंगे। मैं आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ रास्ता दिखा दें कि हमें अभी कहाँ जाना है, तो आप दिखा दें। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोले जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का जंगल से भरा हुआ ये रास्ता है। मैं और मेरी पूरी टीम हम बिना किसी डर के सीधा आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस माता जी का आशीर्वाद है ये सोचकर हम बिना डरे, बिना जंगली जानवरों का डर नहीं हमें कुछ नहीं, हम सीधा आगे ही चलते जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि पहले हम एक थे और अब देखो कितने हो गए, मतलब अब लोग जुड़ ही रहे हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं किस तरह जंगलों के रास्ते से होते हुए ये सब श्रद्धालु कुंडी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बस कुछ ही देर के बाद तो नहीं बोल सकते हैं पर हम लोग पहुंच ही जाएंगे कैसे न कैसे। तो इस तरह से जंगलों के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और ये जो हमारी टीम है हम इनसे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे
तो हाँ जी, कैसे लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा। आओगे दोबारा? हाँ जी। आना है? चलो अच्छी बात है। तो ये भी काफी लोग हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी नाना जी, दोबारा आना है आपने? हाँ जी। आना है दोबारा फिर? क्यों नहीं आएंगे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा बहुत ज्यादा। चलो अब फिर दोबारा आएंगे ना। अभी चढ़ाई लगाने के बाद हम ऊपर पहुंच गए हैं और आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। धुंध भी पड़ी हुई है पर फिर भी इतना अच्छा लग रहा है जैसे लग रहा है हम जन्नत में पहुंच गए हैं। तो ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जवार का गोठ इस जगह का नाम है। और कुछ ही देर के बाद ये फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमें बहुत दूर जाना है, ये तो हमारी मंजिल का आधा हिस्सा भी नहीं है। तो आपने देखा ही होगा पीछे से हम कितना रास्ता तय करके आए, कैसे कैसे इन जंगलों के रास्ते से होते हुए आए हैं। तो दोस्तों देखिए, हम ऊपर प्लेन रास्ते में पहुंच गए हैं। कितना सुंदर ये नज़ारा है, वाओ। मतलब पहाड़ है, फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, इतना अच्छा दृश्य है ये। और यहाँ पर आप देखो कुछ बच्चे मतलब खेल भी रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये भी माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर चलो अभी यहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर क्रिकेट खेल रहे हैं। जो आपको मिट्टी के घर दिख रहे हैं ये मतलब गुज्जर समुदाय जो होते हैं उनकी धारे हैं। और ये अपने माल मवेशियों को यहाँ पर लेके आए हैं चराने के लिए। यहाँ पर रुके भी हैं पर हम तो भी माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम तो अपने रास्ता तय कर रहे हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ माता जी के नाम पर भंडारा लगा हुआ है। काफ़ी श्रद्धालु जो है वो बहुत ही खुशी के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और अब हम भी करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है भाई, अब तो खाना ही बस। दोस्तों ये हम दूसरे भंडारे पर पहुँच गए हैं। दोस्तों तो अभी हम चढ़ाई लगा बैठे हैं थोड़ी बहुत और यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं सभी श्रद्धालु। और आप यहाँ आगे देखिए, हमारा रास्ता भी ये है, मतलब अभी हमें बहुत दूर जाना है कसम से, पर चलो इतना चल रहे हैं तो रेस्ट तो कर ही लेंगे। पर धुंध भी देखो आपकी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, पर इसके बावजूद भी हमारी हिम्मत नहीं हारेगी तो नहीं हारेगी। धुंध पड़ी हुई है फिर भी हम सभी चलते जा रहे हैं क्योंकि हमें माता जी के मंदिर में पहुंचना है और हिम्मत नहीं हारनी है, तो बस अब चलते ही जाना है। पर व्यू भी बहुत सुंदर है यहाँ का। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी पहुँच गए हैं और सभी यहाँ पर आराम कर रहे हैं क्योंकि अभी तो हमें बड़ा ही दूर जाना है। और मैं तो भाई कैमरामैन बनी हुई हूँ तो मुझे तो वीडियो बनानी है, आराम तो किसने देखा। तो मैं आपको यहाँ की मतलब लोकेशन दिखाती हूँ। हाय यार, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है कसम से, दिल कर रहा है कि यहीं पर बस जाऊँ, बस घर बना के। और फिर श्रद्धालुओं कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, आपको आना है दोबारा फिर? यहाँ देख के बोलो ना, आना है दोबारा? अच्छा, काफी जोश है तब सब में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ जा रहे हैं और तो आप देख सकते हैं किस तरह का जोश इन सब में भरा हुआ है।
दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर जो है गुज्जर समुदाय की धारे है, वो अपने माल मवेशियों को लेकर चराने आते हैं। तो ये वही तीन लड़कियाँ हैं, इनकी धार है यहाँ, और ये लकड़ियाँ लेकर चली हुई है। तीन बज गए हैं और हम ये चौथे भंडारे पर पहुँच गए हैं और लंच कर रहे हैं। लो, देख लीजिए, ये नेक्स्ट भंडारा आ गया और यहाँ पर पकोड़े और चाय मिल रही है। हमारे तो मजे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और अभी तक हमारा सफर जारी है। अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं। धुंध बुरे हाल से पड़ी हुई है यहाँ। अभी लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और अभी भी सभी मतलब चले हुए हैं। अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि मंजिल बहुत दूर है और नहीं आज पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अभी भी हम सब का सफ़र जारी है क्योंकि अभी हमारे मंजिल बहुत दूर है और हमें जो है कम से कम कल का दिन भी लग ही जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ। मतलब पहले भी आई थी पर छोटे, मुझे याद नहीं है कुछ, बट अभी मैं बोल सकती हूँ कि हमें 2 दिन लगेंगे। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना अंधेरा हो चुका है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग मतलब कितना ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, उत्सुकता। तो देख सकते हैं आप लोगों में कितनी ज़्यादा उत्सुकता है अभी भी यहाँ पर चलने की। और मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो हम खुंडी माता के मंदिर में अभी तो नहीं पहुँचे हैं बट रास्ते में है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह ये झील बनी हुई है। देखो दोस्तों, काफ़ी रात हो गई है, मतलब हम सुबह से घर से चले हुए हैं और अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं। आज हमें कहीं रुकना पड़ेगा और कल फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस किस तरह हमने रात को एक टेंट बनाया था, उसमें सोए हुए हैं और किस तरह से भी सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ना बुरा हाल था क्योंकि हम लोग ना मैट लाए थे ना कुछ, हमने नीचे पता क्या बिछाया, आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमने नीचे क्या बिछाया। एक मिनट, हमने रात को ये घास ऐसे बिछाया था और देखो आप जमीन, मतलब इतना बुरा हाल, आज नींद ही नहीं पड़ी यार, बुरा हाल था। नहीं, इन लोगों ने मैट बिछाई, इनकी तरफ बिल्कुल ना देखे, हम बेचारे सारे गरीब लोग यहाँ देखे। ये गरीब लोग जी मैट लेके नहीं आए थे, घास लिया खरीद के, और बुरा हाल हो गया, आज पूरी रात नींद नहीं। हाँ जी, इधर दिखा शक्ल दिखा। नहीं सुन, तो बताओ कैसी रही आपकी रात? नहीं नहीं, क्या कैसी रही आपकी रात? ठंड ठुंड नहीं लगी? बहुत ज्यादा लगी ना। अगली बार क्या करोगे फिर, क्या सोचा? लाओगे ना? और आपकी कैसी रही रात? तुम दोनों चुड़ैलों ने मुझे दुख दिए, तुम दोनों के फेस कभी नहीं भूलूंगी। बुआ इस साइड देखो, ओ बुआ, तो कैसी रही आपकी रात? मतलब ठंड ठुंड लगी? लगी ठंड की नहीं लगी? तो आप बताओ, आपको ठंड वगैरह लगी या नहीं? अच्छा, आप लोगों को ठंड नहीं लगी, शीत हुआ है ना? कुछ नहीं, तब अच्छी बात। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी अपना टेंट उठाने लगे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना टेंट उठा दिया है और अब बस चलने की तैयारी है। और यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु हैं वो रुके हुए थे और देखो लोगों ने अपनी मतलब यात्रा शुरू भी कर दी है। अभी हमें बहुत दूर जाना है। तो
दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है और अभी हम चढ़ाई लगा रहे हैं। आज तो शायद हम पहुंच ही जाएंगे। आप देख सकते दोस्तों किस तरह पत्थर से भरा हुआ ये रास्ता है और इसी रास्ते से होकर सभी श्रद्धालु जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही कठिन है क्योंकि देखो जिन्होंने जूते पहने हैं उनके लिए तो उतना भी नहीं, और जो मेरे जैसे नंगे पाँव हैं उनका बहुत बुरा हाल है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह जोत की चढ़ाई लगाकर सभी श्रद्धालु ऊपर पहुंच चुके हैं और कुछ श्रद्धालु नीचे से आ रहे हैं, और अब इससे आगे यहाँ से नीचे जाएंगे सभी और फिर चलते चलते पहुंच जाएंगे माता जी के मंदिर। यहाँ पर काफ़ी पुरानी परंपरा है, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आए वो अपना घर बनाता है पत्थरों का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे पत्थर के घर बने हुए हैं। श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं और पत्थरों के घर बनाते हैं, ये मान्यता काफ़ी पुरानी है। और ये दो लड़कियाँ भी अपना घर बना रही हैं। हाँ जी आप देखो यहाँ, तो कैसा घर बनाओगे, एक मंजिल दो कि तीन? एक मंजिल आप एक मंजिल बनाएंगी? चलो जल्दी जल्दी बनाओ, हम भी दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि आप अपना घर किस तरह बनाती है। तो आप देख सकते हैं ये इनका घर बन चुका है। और आपने सुना है वैसे कुछ घर के बारे में कि क्यों बनाते हैं ये? क्या सुना है? जी बोलते हैं जब मर जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जब मर जाते तो एक दिन यहाँ पर बैठते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब काफी मान्यता है ना यहाँ की। तब तो आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरह ये बच्चियों को भी पता है कि मतलब क्यों घर बना रहे हैं और क्यों बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम जोत के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, और आप यहाँ देखिए थोड़ा मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, बर्फ है और मतलब कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी जन्नत में आ गए हैं। और काफ़ी आकर्षक ये प्रकृति का दृश्य है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर रुके हुए हैं, अभी यहाँ पर वो आराम कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पर सभी घर बना, और मेरे मन में भी ये इच्छा जाग गई कि मैं भी घर बनाऊँ, तो मैं भी बनाऊँगी छोटा सा घर बना। बाकी मुझे ये तो पता नहीं है कि मरने के बाद यहाँ रुकेंगे या नहीं, अगर रुकेंगे तो जरूर। तो ये छोटा सा घर मेरा भी, तो ये इतना काफ़ी है मेरे लिए। पर पहुँच चुके हैं, अभी तक हम अपनी मंजिल से कुछ ही दे मतलब कुछ घंटे दूर है ना, और ये हमारे सारे श्रद्धालु। कैसा लग रहा है यहाँ देखो सभी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ कहाँ गई है? यहाँ देखो आप, आओगे दोबारा? सच बोलना दिल प्रात रख के। बिल्कुल अगले साल फिर से। इसे बोलते हैं फॉर्मेलिटीज, ये फॉर्मेलिटीज कर रहे हो आप। और आप महाशय दोबारा आना चाहोगे? मैं नहीं आऊंगा। इसे बोलते हैं सच्चाई, ये है सच्चा बंदा। और आप दोबारा आओगे? आना चाहेंगे। ऐसे ही आओगे नंगे पाँव की? चलो इन्होंने सच्चाई बोली, और ये लड़की तो झूठ बोल रही है, मुझे पता है इसे ये कभी नहीं आएगी, पर यहाँ पर कैमरे में झूठी फॉर्मेलिटी कर रही है कि नहीं आऊंगी। दोस्तों ये हमारी खुंडी माता मंदिर जो है यहाँ बीच में है, और ये भी पहाड़ मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है कसम से। देखो दोस्तों ये सारा रास्ता हम तय करके अभी आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ऊपर पहाड़ी से पानी भी आ रहा है और श्रद्धालु भी पीछे से काफ़ी जनसंख्या में आ रहे हैं। देखो कितनी पहाड़ियाँ हैं, मतलब इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना यार, कसम से क्या बोलूँ मैं। और अभी तक तो हमें चलना है, बहुत दूर जाना है, पर मेरा मन इधर ही लग गया, बोल रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि इधर ही बैठूँ बस। तो देख सकते हैं आप दोस्तों हम पहुंच गए खुंडी माता मंदिर में। काफ़ी चढ़ाई और काफ़ी रास्ता तय करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच ही गए हैं माता जी के मंदिर में। तो ये है माता महाकाली झील हमारे चंबा में जो है, आपने सुना ही होगा, और यही है हमारी खुंडी वाली माता। आप देख सकते हैं किस तरह का सुंदर दृश्य यहाँ का है, और फाइनली अब हम सभी पहुँच चुके हैं।
तो दोस्तों मैं आपको अपने नज़दीक जाके माता जी का मंदिर दिखाती हूँ। तो ये है हमारी खुंडी माता जी का मंदिर और यहाँ पर अभी काफ़ी जनसंख्या में श्रद्धालु है, तो मैं आपको अभी तो साफ नहीं दिखा सकती, पर अगर दिखा पाऊँगी तो शायद दिखा सकती हूँ, बट नहीं दिखा पाई तो आप ये देख सकते हैं, ये है माता जी का मंदिर। तो दोस्तों ये है महाकाली जी और आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो है इसके आर पार जो है चक्कर लगा रहे हैं और अब हम लोग भी लगाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी हमारी महाकाली झील है और ये चंबा में है, ये तो आपको पता ही होगा, और किस तरह जो श्रद्धालु है वो नंगे पांव इस झील के चक्कर काट रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भक्तों में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनमें देवी के लिए कितनी श्रद्धा है। हमारे खुंडी वाली माता जी का मंदिर, देखो किस तरह से भी मतलब यहाँ पर टेंट लगा कर बैठे हुए हैं, माता जी को दर्शन करने के लिए आए हैं, और किस तरह मतलब इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है। दोस्तों ये हमारा टेंट था और यहाँ पर हम रुके हुए हैं, ये सभी है। बच्चू डूब दे भी नहीं ये चल लगी है तुम्हारी रोड पे। पेकी चांजू आल चली आए ओ माता मेरी, ये धूरी हटी तर दोस्तों ये मैं आपको अब लास्ट डिश दिखा रही हूँ क्योंकि अब हम वापस आ रहे हैं घर को, और इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और आप ज़रूर आना माता जी के दर्शन के लिए एक बार।